नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मन मंगलम कुंदकुंडारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जयनम जयतु शासनम ओंकार बिंद संयुक्तम नित्यम ज्ञायन्ति योगिनो कामधुम मोक्षधुम चैव ओंकाराय नमः। परम कृपाणु देव श्रीमद्राचंद्र जी रचित अध्यात्म महाकाव्य परम भक्ति भावना अपूर्व अवसर है वो क्या रहा अवसर। अब तक छह लाइन छह कड़िया हुई है, 17 लेक्चर हुए हैं, आज 18 लेक्चर, 7 नंबर की कड़ी क्रोध प्रत्ये तो वरते क्रोध स्वभावता मान प्रत्ये तो दिन कैसी होती है, उनको क्या लोभ है,
जहाँ आत्मा का अनुभव हुआ पहली बार, तब से मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? हम एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में खड़े, कहीं अन्य ते मानु जगे, परमाणु मात्र नहीं है। पता चल गया हूँ, एक रजकण इस वर्ल्ड का एक रजकण भी मेरा नहीं। लाख कोशिश करूं लेकिन पराई चीज कभी भी मेरी हो नहीं सकती। उसको पाने की इच्छा करना, लोभ करके अपने नए कर्म बांध करके अपने भविष्य की दुर्गति की तैयारी करना और कुछ नहीं, अपना ही नुकसान। अपना नुकसान करने से भी अगर वो पराई चीज अगर अपनी हो सकती है तो चलो सार्थक है, लेकिन फिर भी वो पराई चीज अपनी कभी होने वाली नहीं। एक रसकण भी मेरा नहीं है, ऐसी अनुभूति ज्ञानी पुरुष को हो चुकी है प्रथम दर्शन से। ज्ञानी पुरुष को भले ही व्यापार धंधा करते हुए भी, खाना पीना सब होते हुए भी, अंश मात्र में भी पर पदार्थ थोड़ी भी आसक्ति नहीं रहती। एक रजकण को भी अपना माने तो वो ज्ञानी सकट जगत ते ऐठ वत अथवा स्वप्न समान ये कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। छह खंड के सोहन जी लिखा है कि बाहर में चक्रवर्ती छह खंड को साधते हैं, बोलते नहीं जी दुनिया वाले को ऐसा लगता है छह खंड का राजा। क्या छह खंड को जीतने नहीं गए, अखंड को जीतने गए जाते हैं रोज पल पल। ये अंदर में अखंड समाज है। सोगाणी जी कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती छह खंड को साधने नहीं गए, वो हर पल हर क्षण अखंड को साधते थे। ये अंदर का साम्राज्य है वो अपना है और बाहर का एक रजकण भी अपना नहीं, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। अब मेरा है नहीं, मेरा था नहीं, मेरा कभी होने वाला नहीं। कितना भी मरूं तो मेरी चीज होने वाली नहीं, पराई चीज अपनी नहीं होती। इसीलिए ज्ञानी को अभिप्राय में किसी पर पदार्थ को हासिल करने का, उस पे सत्ता जमाने का, उसकी चाहना, उसकी संभाल, उसके पर ममत्व, उसके पर एकत्व, अभिप्राय में 0.0001% में भी नहीं रहता है। अगर रहता है तो वो ज्ञानी नहीं, लेकिन वो तो श्रद्धा की बात है। लेकिन यहाँ मुनिराज की तो क्या बात है कि ऐसी जो श्रद्धा पहले हुई है, लेकिन ज्ञानी भी अपने आत्मस्थिरता का बल नहीं होने के कारण भूख लगे तब खाना खाते थे, बीमार पड़े तो दवा लेते थे, हॉस्पिटल में भी जाते थे। देखो क्यों, तुम तो चैतन्य परमात्मा हो ना, तीन लोग के ना दवा क्यों लेते हो भैया? कि जब दवा लेते हैं ना तब भी श्रद्धा में तो ऐसा ही है। क्या है ये दवा का अंश मात्र भी मुझे लाभकारी नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, दवा के कारण में अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा होना नहीं होना पूर्व कर्म जैसे बांध के आए वैसा ही होता, फिर भी अंतर स्थिरता की कमी के कारण, चारित्रों के कारण ऐसे भाव आते हैं। श्रद्धा ये ज्ञानी को ऐसा है, लेकिन मुनिराज को तो श्रद्धा ज्ञान और आचरण तीनों में कैसी है, एकता है। जैसी अंतर में श्रद्धा है वैसा ही परफेक्ट ज्ञान है और वैसा ही 50 मिनट वैसा ही परफेक्ट उनको आचरण है। मुनिराज को काय का लोग एक तरण किनका भी नहीं चाहिए। कृपावड़े को बोलते थे ना पूरी दुनिया सोने की हो जाए ना, हमारे लिए घास के तिनके के बराबर है, नहीं चाहिए। शक्कर जगत ते ऐठ वक्त, एक गजकन भी हमारा नहीं। चक्रवर्ती की संपदा
और इंद्रसरी के भोग काग विठ सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। छह कर्ण के राज हो, तीन लोग की संपत्ति हो, इंद्र के इंद्रासन की संपत्ति हो, अधिकार हो, जिसको आत्मज्ञान हो गया ऐसे सम्यक दृष्टि को कैसे लगते हैं? काग विथ, कौवे की विष्ठा के समान। गौ की विष्ठा तो काम आती है, और गौ के यूरिन में से तो बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, अभी जाएंगे देखने के लिए लेक्चर के बाद। उसका तो कुछ मोल है, काम है, लेकिन कौवे की विष्ठा तो चूल्हे में जाने के लिए भी काम में नहीं आती है। चलो बर्तन इतना कम, लकड़ी कम जलेगी, वो भी काम में नहीं आता। ऐसे सम्यक दृष्टि की नज़र में ये कमाल है कि जहाँ जहाँ नज़र जाती है तो कहीं अपनापन होता ही नहीं, लेकिन किस में है वो? श्रद्धा में। और वे मुनिराज की बात चल रही है, जैसी जिसको ऐसी श्रद्धा हो गई है आत्मा के दर्शन होने के कारण, ऐसे महाज्ञानी ऐसी भावना बाते हैं कि ज्ञानी भले हो गया लेकिन परमात्मा कहाँ हुआ? परमात्मा होने के लिए सिर्फ मात्र श्रद्धा में लोभ नहीं हो इतना काफी नहीं है कि मुझे श्रद्धा में किसी के प्रति क्रोध मान माया लोभ नहीं है, काफी नहीं, परमात्मा नहीं बन पाओगे। परमात्मा बनने के लिए कंपलसरी है कि आचरण में भी अंश मात्र भी किसी के प्रति क्रोध मान माया लोभ न हो। इसीलिए कृपाऊदेव ऐसी भावना बाते हैं, जानता हूँ कि मेरी अभी सामर्थ्य नहीं है, अभी अंदर में इतनी स्थिरता आत्मस्थिरता नहीं है, लेकिन मेरी भावना है कि श्रद्धा में जो लोभ अनंत अनुमंदी का गया है वो मैं अपने आत्मस्थिरता के बल से अंतर में वृद्धि करके मैं आचरण के अंश मात्र संतुलन का सहगा लोभ भी खत्म करके परमात्मा बन जाऊं। एक परमाणु मात्र नहीं मरे ना स्पर्श था, एक परमाणु का संयोग साथ में है ना, ये भी नहीं चाहिए। नाम नाम भी नहीं, महावीर नाम नहीं चाहिए, पारसनाथ नाम नहीं चाहिए, जहां किसी का कोई नाम नहीं है सिद्धार्थ सिद्ध नगरी में वहां चले जाने का, वहां सब दूसरे देव भगवान भी सिद्ध है, दूसरे बाहुबली जी गए वो भी सिद्ध, और कोई भी मुनिराज गए उनका भी नाम क्या, वहाँ कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, के महावीर भगवान का सिद्ध है, ऋषभ देव भगवान का, ये नाम ही नहीं चाहिए, लपड़े ही नहीं। ये नाम काय के हैं? ऋषभ देव, महावीर, पार्थनाथ, काय के नाम है? खोखे के नाम, हम खोखा नहीं है, वो हमारी नगरी है सिद्धों की, वहाँ हमारा एक परमानेंट बंगला है, क्या वहाँ किसी बात की कोई जरूरत नहीं है, न एसी की जरूरत है, न लेटरिन, न बाथरूम, न बाउन, न चश्मा, न कबाड़, अलमारी, पलंग, पलंग कोई जरूरत नहीं, शरीर ही नहीं है, शरीर की जरूरत नहीं तो बाकी क्या है? हम इतनी मजा है, इतनी मजा है, पूरी दुनिया को वहाँ बैठे बैठे देखते हैं, लेकिन बाजू वाले के पास मिलने को कभी जाते नहीं है, बर्थडे के लिए भी नहीं आते हैं, चलो ना कंटा आ गया बैठे बैठे, चलो बाजू में जरा देख के आ जाऊँ, मिल के आ जाऊँ, बातचीत करूँ, अपने जगह से हिलने का भाव नहीं, इतनी तृप्ति है, हिलते नहीं, अनंत काल तक शादी, अनंत काल तक समाधि है। वो सिद्धों की नगरी में मेरा बंगला है, ऊपर आपका ही बंगला चाहिए तो मिल जाता है, रिजर्वेशन बुकिंग यहाँ करना पड़ता है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्या एक भी पैसा नहीं, एक रुपया भी नहीं देने का। अगर सिद्धों की नगरी में अपना रिजर्वेशन कराना है, सिर्फ 6 महीने अवलोकन का अभ्यास करना, अपने आत्मा के दर्शन करना, बुकिंग हो गई, वो प्लेस पक्का है, अब कोई आकर के छीन नहीं सकता, उसके पट्टे कागज की कोई जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती, इनकम टैक्स नहीं, वेल्थ टैक्स नहीं, कुछ नहीं लगता, आपके थ्रू होगा ना, कैसा भी है काम कर लो ना, अपने वो किससे भी थ्रू होने तो क्या फर्क पड़ता है, बंगला चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या देने वाला कोई भी हो, अगर बंगला चाहिए तो वो रिजर्वेशन है, परमानेंट प्लेस, फिर आना जाना किधर भी नहीं, कोई लफड़ेबाजी नहीं किसी के साथ,
संपूर्ण गुलामी से मुक्त, आदि व्याधि उपाधि से रहित, आवागमन से रहित, भूख प्यास आदि अत्रादो से रहित, आठों कर्मों से रहित, पूर्ण निष्कलंक, पूर्ण कलंक रहित निर्दोष स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, ऐसा प्लेस है वहां। मुनिराज को वो चाहिए, चाहिए मतलब क्या है, तड़पते नहीं, वो तो आती है, ऐसी दशा तो आती है। मुनिराज को अंश मात्र भी लोभ नहीं है, लेकिन एक लोभ है, कौन सा लोभ है पढ़ते हैं, इसके अंदर होगा सर। पतली धारण बाए मन में, ये अंदर की जो आनंद की भर्ती आती है वो धीरी धार है, धीमी धीमी, क्यों नहीं, अंदर में पूर्ण है तो हमको पूरा चाहिए, थोड़ा थोड़ा मिले हमको नहीं चाहिए। वो लोभ है, किसका लोभ है, वो कि जो आनंद मिलता है वो इतना हमको अंदर में बहुत भरा पड़ा है और मिले थोड़ा थोड़ा, ये नहीं चलेगा। ये संतुलन कसा है, पर लोग ऐसा रहता है, कैसा रहता है लोग, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए और शादी आनंद का आनंद चाहिए। देखो ये लोभ है, ये कौन सा लोभ है, संजुलन का साइंस लोभ, जो अंदर में अक्षय पात्र है आनंद का खजाना पूरा समुंदर, और हमको थोड़ा थोड़ा दे, ये हमको नहीं अच्छा लगता, तो कितना लोभ रहेगा, और लोभ सबसे आखिरी जाता है, ये चारों कसाय के अंदर आखिरी दम तक, बारहवें गुणस्थान, ग्यारहवें गुणस्थान के अंत समय में आखिरी में लोग जाता है, तब संपूर्ण वितरकता होती है। जब तक वो रहता है तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, पूरा चाहिए, इसके अलावा बाहर में तो अंश मात्र भी नहीं चाहिए, श्रद्धा में ही नहीं सिर्फ आचरण में। इसकी बात देखो करते हैं 390 मुनिवर श्री पद्म प्रमलधारी देव कहे छे कि मुनि सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन ना लोलुपी छे, लोभी छे, किसके लोभी है, केवल ज्ञान दर्शन, क्यारे स्वरूप में एवी जमावट थाय के श्रेणी उपड़ी ने वितराग दशा प्रगटे, एक घड़ी में बाहर आना, घड़ी में अंदर जाना, नहीं वो अच्छा नहीं, अंदर ही रहना है, ऐसा लोग है मुनिराज। कह रहे हैं वो अवसर आए के स्वरूप में उग्र रमणता जामे अने आत्मनु परिपूर्ण स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान प्रगट थाय, क्या रे वो परम ध्यान, वो चेता क्या चरित्र का परम ध्यान, ध्यान के चार प्रकार, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और सुकर ध्यान। मुनिराज को धर्म ध्यान तो है, वो भी उत्कृष्ट है, टॉप लेवल, लेकिन उनको कौन सा ध्यान चाहिए, शुक्ल ध्यान, जो केवल ज्ञान को लेके आ, क्या रे वो परम ध्यान जामे कि आत्मा शाश्वत पने हमेशा के लिए आत्म स्वभाव में ही रह जाए। अभी मुनिराज ने भावना करते थे, इसका नाम है संजुलन कसाय का लोभ। आत्मा ना आश्रय एकाग्रता करता करता तेवो केवल ज्ञानी समीप जई रहा छे, डे बाय डे, एक एक सेकंड, कान निगोह की तरफ जा रहे कि मुक्ति की तरफ जा रहे, इसलिए उनका बर्थडे मनाया जाता है, उनका हर दिन महोत्सव है, क्यों कि मुक्ति की तरफ जा रहे हैं और खुशी खुशी जाते हैं मुक्ति की तरफ, आनंद से डांस करते करते जाते, मुक्ति के द्वार पर नाचते नाचते जाओगे तो फिर वापिस नहीं आओगे।
नाच डांस करते करते जाते हैं, रोते रोते नहीं हो रहे अब तो छूट जाते हैं सबसे, सबसे पहले छोड़ दिया है घर बार का। मुनियाद ने घर बार कुटुंब परिवार छह खंड का राज तो पहले किनके के माफिक छोड़ दिया है, कोई अपना है नहीं और शरीर तो मजबूरी से पीछे है पड़ा है। वो मुनियाद पीछे नहीं पड़ा है शरीर के, शरीर उनके पीछे पड़ा है। वो मांगे तब खाना नहीं मिलता है शरीर को, मुनियाद के हाथ में सत्ता है, जब उनको मर्जी है तो देगा नहीं तो नहीं, तो भूखा मत कौन बोलता है उस हाथ में रहने के लिए, जाना है जा। देखो मास्टरी किसकी आई, अब तक शरीर का गुलाम था आत्मा, अब क्या हो गया शरीर गुलाम हो गया, चूहा बिल्ली हो गया। देर सारे कर्मों को तो सामने से बुलाते भैया आ जाओ, लड़ना है तो मरना है तो आ जाओ, क्या अगर मरना है मौत आई है तो आ जाओ जल्दी जल्दी, मैं तो यार बैठा हूँ इधर, मेरा ज्ञान सूर्य चमक रहा है, जल के खाक कर दूंगा, आंख भी उठा के देखा तो क्या करूंगा, मेरे सामने आंख भी नजर भी उठा के देखी ना क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जल के राह कर दूंगा। ये मुनियाद का ध्यान का अग्नि इतना जबरदस्त प्रज्वलित हुआ है, किसी की फिक्र नहीं है, किसी बात की फिक्र नहीं। मुनिराज केवल ज्ञान ने समीप जय रहा है, घनी शांति भेदाय से डांस कर रहे हैं आनंद में, कसाय बड़ा मंद पड़ी गया है, कदाचित कायिक रुद्धि चमत्कार पण प्रगटता जाय से, जहाँ बैठते हैं वहाँ अपने आप बारिश नहीं हो तो बारिश आ जावे, और लोग क्या समझते हैं देखो मुनिराज बता रहे ना इसलिए बारिश आई, और हकीकत है मुनिराज की एंट्री से ही बारिश हुई, जहाँ उनके पैर पड़ते हैं ना तीरथ हो जाता है, आनंद मंगल जंगल में आनंद मंगल हो जाता है, अपने आप बुद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाती है, दरिद्री मिट जाती है, रोग दूर दर्शन मात्र से रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे बहुत शुद्ध प्रमाण होती है, ये सब इनके सिद्धियां पुण्य प्रताप से होता है, मुनियाद में इतनी सिद्धियां प्रकट होती है। कदाचित कायिक रुद्धि चमत्कार पण प्रगटता जाय छे पण तेमनु ते प्रत्ये दुर्लक्ष छे, लक्ष्य नहीं देते हैं मेरे में इतनी सीधी पकड़ है, लाओ सबका भला कर दूं कि मेरे इनके शरीर पर से अगर पवन जाकर के अपने को छू लेगा ना रोगी को, रोग दूर हो जाए, क्या अंधापा दूर हो जाए, नहीं बोलते हैं कोई ऐसे कान नहीं, साईं बाबा के मंदिर पे गए वो अंधा तो आंख खुल गई, दोनों आंखें आ गई, क्या क्या हुआ है निमित नैमित्तिक संबंध, वो आंख में प्रकाश आने का था उस टाइम में, वहाँ पहुँचता है असाता का उड़े गया, असाता का उड़े गया और नजर टाइम बाबा की पड़ी, क्या हुआ वो रोशनी आ गई, और लोगों को भक्तों की मूर्खों की टोली क्या देखो दर्शन करने का आँख आ गई, मेरे को लेके जा मेरे को आँख आ जाएगी, सबको नहीं होता है ये बातें कहाँ से निकले, जैन पुराणों में से निकले, कैसे चमत्कार मुनिया से होता है कि नजर हो जाए ना, अगर उनके शरीर पर से पवन आकर के अगर हमारी बॉडी को आँख को छू ले तो आँख आ जाए, दृष्टि आ जाए, ऐसे चमत्कार होते हैं, लेकिन मुनिराज उसका उपयोग करते नहीं, नहीं सीता जी का नहीं हुआ है तो अग्नि में जलाते हैं तो क्या होगा, क्या जल कमल हो गया ना, कैसे बुद्ध ही रहा चमत्कार पुण्य की वृद्धि, ज्ञानी में ज्ञानी के सतीत्व में इतना बल है, शील में इतना वो है ताकत है, तो मुनियाद के तो बहुत आगे निकल गए, बहुत कुछ चमत्कार होते हैं, नहीं होने का सवाल नहीं है, लेकिन दुर्लभ होता है, क्या बोलते हैं हमारे आ चमत्कार नहीं जोयता, लोभ नहीं है चमत्कारों का, हमारे तो पूर्ण चैतन्य चमत्कार जोइए, हमको तो अंदर का चाहिए दूसरा हमें नहीं चाहिए, एना साधन रूपे एवं ध्यान एवी निरीकलता एवी समाधि जोईए छे के जेना पन्ना में असंख्य प्रदेशे दरेक गुण तेनी परिपूर्ण पर्याय प्रगट थाय, आ भावना ने आत्मा में अत्यंत लीनता वड़े मुनिराज सफल करे छे, ये भावना है लेकिन मुनिराज उसको क्या करते हैं, भावना को क्या बोलते हैं, लोभ है मेरा, क्या बोलते हैं इनके सामने सोगाणी जी की भावना देखो,
कसाय कम नहीं करना है, अभी तो अप्रत्यय ज्ञान प्रत्यय ज्ञान संगलन बाकी है, जैसे वनम का मुंदी का है तो क्या बोलते हैं, मेरे में कहा है कसाय, क्रोध बोध मेरे में थोड़ा है, मैं तो पूर्ण पवित्र हूँ, ये कम पर्याय में पर्याय कहाँ मेरी है, हट उठा के फेंक देते हैं कि मुझे कसाय कम नहीं करना है, मुझे केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। कृपाल नहीं बोलते हैं जिसको जैन का केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, ये क्या है, निर्लोभता है, पर्याय की गुलामी नहीं है, केवल ज्ञान चाहिए केवल, या तो हमको वेदन के पीछे वो पागल जैसे पढ़ते हैं कि वेदन नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आता था अब नहीं आ रहा, दुखी 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 हो जाते हैं, भाई वेदन बड़ा है कि तुम परमात्मा बड़ा है क्या, नहीं लेकिन फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, हमको ऐसा नहीं लगता कि हम आगे बढ़ रहे, कहीं पीछे तो नहीं चले गए हैं, वेदन बंद हो गया है, वेदन का भूत है, नहीं आ रहा है लेकिन इधर आ रहा है उधर आ रहा है लेकिन पूरे में नहीं आ रहा है, ये एक परेशानी, यह कहते हैं कि केवल ज्ञान नहीं चाहिए हमारे जाओ, लेकिन ये राग द्वेष कैसे मिटेंगे, कि किसकी राग द्वेष, कौन सा राग द्वेष, किसकी बात करते हो, मेरे में राग द्वेष, आपको कुछ भ्रम हो गया, मेरे में राग द्वेष पर कुछ नहीं, आनंद की मूर्ति हूँ, मेरे में राग द्वेष कहाँ भैया, मैं तो वितराग मूर्ति हूँ, आप बेकार का उसकी उधर की टोपी मेरे पे मत डालो, पर्याय की टोपी मेरे पे मत डालो, खबरदार तो मुझे राग द्वेष कहा है, मैं पूरी पूर्ण भगवान हूँ, परिपूर्ण भगवान, पूर्ण निर्दोष हूँ, नहीं लेकिन आपको मोक्ष नहीं जाना है, अभी चौथे गुणस्तर में हो, काय का मोक्ष, किसका मोक्ष, जीवनो मोक्ष तत्व नथी, मोक्ष कैसी बात ली है सोगाणी जी ने, अद्भुत बात है, ये मुनियाद को मालूम है क्योंकि उनको भी आत्मज्ञान होगा और श्रद्धा तो ऐसी है, ये बात किसकी चल रही है, भावनाथ, फिर भी जब तक हम पूर्ण दशा नहीं पाते हैं तब तक ऐसी श्रद्धा होने के बावजूद भावना क्या रहती है, परिपूर्ण दशा की भावना रहती है, श्रेणी लग जावे परिपूर्ण दशा प्रकट हो जाए, अंश मात्र भी संतुलन कसाय तो अंश मात्र भी दोष न रहे, संपूर्ण निर्दोषता प्रकट ऐसी भावना होती है, ये 12वें गुणस्तर के अंत समय तक मुक्ति की भावना मुनिजात को भी होती है, ज्ञानी को तो होती है, श्रद्धा में क्या पड़ा है, केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, पर्याय के सामने देखना नहीं, और श्रद्धा में बात, और भावना में क्या है, अभी पूर्ण दशा प्रकट नहीं हुई, ये जो भावना पड़ी है ना, जो इसको मुनिजात क्या बोलते हैं, संतुलन कसाय का लोभ, अब देखो अपना लोभ किधर हो, अपने को तो क्या क्या चाहिए, घर में जितनी संपत्ति होती है ना उसका 50-50 बंटवारा कर दो भैया, क्या याद तक कि माँ को तुम रखना बाप को मैं रखूंगा, दो भाई रहते हैं तो इतनी परेशानी है, ये तो अच्छा है कि माँ को काटो आधा तुम रखो आधा मैं रखूँ, बाप को काटो आधा मैं रखूँ, ऐसा नहीं बोलते, छोटी छोटी तुच्छ चीजों के जो आखिर में वो उनकी नहीं है, मेरे घर में भले काम आवे कि ना आवे लेकिन 50-50 करो भैया, कुर्सी एक रह गई है अच्छा इसकी वैल्यू करो, इसका पैसा निकालो आधा पैसा, कितना लोग उनको तो वो लोग की तो बात ही नहीं, छोड़ देना वो लोग तो है ही नहीं, कौन सा लोग है, ये मुक्ति की कामना जो रह गई है ना भावना, वो उनको लोभ गिनते हैं, और फिर क्या करते हैं, देखो लोभ प्रत्यय तो नहीं लोभ समान, ऐसा लोभ और बढ़े, भावना तो अच्छी है, भावना गलत है मुक्ति की भावना, और बढ़े ऐसा लोभ नहीं है, ऐसे लोभ और बढ़े ऐसी लोभ की भावना नहीं है, लोभ प्रत्यय तो नहीं लोभ समान, मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए और फिर भी भावना है तो उनको तकलीफ होती है, क्या ऐसी भावना क्यों आती है, ये पर्यायलक्षी भावना क्यों हो रही है, क्या मेरे में कमी है कुछ, वर्तमान में मुक्त स्वरूप नहीं हूँ, तो सुगाणी जी बोलते हैं मैं तो अभी विद्यालय में बैठा हूँ, क्या क्या बोलते हैं आपके तो आगरा में है ना ऊपर मंदिर के ऊपर जहाँ मैं बैठा था लेक्चर देने में ऊपर ही था,
सो गणेश जी का बोल लगा है, सो गणेश जी का स्टैच्यू है, काला कोट पहना करके बैठा है सो गणेश जी। आगरा में ही है और किधर नहीं, मेरे को आगरा जाने का एक ही अट्रैक्शन है। कौन सा अट्रैक्शन? सो गणेश जी का काला कोट वाला पहना है ना देरी में बना, और दीवार दीवार पे लिखा है बना बनाया भगवान हो, भगवान बनना नहीं क्या, मतलब पूरा दीवार पे लगा दिए, जगह जगह पर लगाया, ये अट्रैक्शन है। बाकी भाऊ जी में तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, उनको तो कुछ अकल नहीं है यार, बोल देना उनको क्या बोल कहाँ गए आगरा वाले, मैसेज भेजा देना, आपको तो ऐसा बोलते हैं सबके सामने, आपकी तो पूरी फीस उतार दी, लेकिन वहाँ वो अच्छा है, उधर ऊपर लिखा है जहाँ बैठते हैं वहाँ ऊपर। मैं तो अभी वर्तमान में ही सिद्धालय में बैठा हूँ, नहीं बोल कर भगवान भी क्या बनना है, बन गया हूं भी क्या बनना है, मैं तो अभी ही सिद्ध हूं, 14वां गुण स्थान होगा और बाद में सिद्धालय में जाना होगा, क्षेत्रांतर वगैरह होगा, लेकिन यह सब कार्य पर्याय में होगा, पर्याय का कार्य पर्याय में होता है, मेरे में नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ, ये सब किस में चेंजेस होगा, पढ़े नहीं कहा हूँ, मैं तो अभी सिद्धालय में बैठा हूँ, कभी कहीं आया भी नहीं गया भी नहीं, आया रहा गया रहा मैं नहीं, मैं शाश्वत हूँ। कौन बोला था दिलीप भाई बोले थे, क्या कुछ बोले थे ना, आया रहा गया दिलीप भाई बोले थे आयरन गायरन, मैं आयरन गायरन नहीं हूँ, मैं शाश्वत, मैं कभी भी नहीं हिलने हिलने दुलने वाला कुंटा हूँ, अभी चल क्या, मुझे न कहीं जाना है ना आना है, जन्म मरण चक्कर ये सब मेरे में नहीं है, क्या है मेरे में नहीं है, ये भर्ती और वोट समुद्र में है, बढ़ती बढ़ती में ओट ओट में और समुंदर, समुंदर को क्या लेना देना, बढ़ती हो के ओट हो, ऐसा ही मैं शाश्वत परमात्मा हूँ, मुझे केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, ये निर्लोभता है। सोगाणी जी को ऐसी थी, सोगाणी जी जंगल के मुनियाद नहीं थे क्या, वो कलकत्ता में बिजनेस करने वाले मुनियाद थे, इसलिए उनके ऐसा हम भी बन सकते हैं, नहीं बन सकते ऐसे मुनियाद बनना है तो हमारे हाथ की बात है, इन कसाई की भले चौक नहीं हो, भले ना अनंत अनुबंधी का है, लेकिन ऐसे मुनियाद बनना है, चलता फिरता पैन भूषण वाला एक तो बन सकते, एक बहुत है, एक बहुत है वो भी, देखो गुरु से पहले जा सकते हैं सिद्धालय में, गुरु यहाँ सबको समझाते रहे, डायरी चेक करने दो उनको, क्या उनको हजामत करने से अक्ल नहीं है, कुछ बेवकूफी है, कॉन्ट्रैक्ट है वो बेवकूफ है, कॉन्ट्रैक्ट तो है वो तो वहां से, बेवकूफ है वो यहाँ से, पागलपन का भूत है और कुछ नहीं, उसको यही करने दो सब हजामत, आप लोग सब दरिया किनारे घूम के आओ और मैं लटकी जाओ यहाँ क्या, अब मेरे को अलग से चिंतन आना है, कोई नहीं अलग, और बोल के नहीं आना, बोल के आया तो परेशानी, फिर सब पीछे आ जाते, चुपचाप आ जाना, ट्रेन निकाल देखो, और फिर उसको नाम क्या देना, कॉन्ट्रैक्ट है, कहता कॉन्ट्रैक्ट पागल कौन है, कॉन्ट्रैक्ट ले तो अच्छा लगता है, अभी उपचार में जाना, अभी उनको ले क्या, लेकिन शरण मानी चाहिए गुरु को भी, कि शिष्य पहले जावे और हम बैठे रहे, लेकिन ऐसा हम बन सकते हैं, कहने का मतलब ये कि सोगाणी जैसे हम भी बन सकते, एक बहुतारी बन सकते हैं, पैंट बुशर्ट वाले मुनिराज हम बन सकते हैं, ऐसे लेडीज मुनिराज नहीं बन सकती है, लेकिन साड़ी में मुनिराज बन सकती है, कैसी सोगाणी जैसी बन सकती है, वो अंदर में पावर आता है, नहीं चाहिए केवल ज्ञान, क्या केवल ज्ञान को करूंगा मैं वर्तमान में परमात्मा हूँ, कृष्ण भगवान आए तो क्या बोलना, बैठो बैठो क्या क्या बोलना, कृष्ण भगवान आए तो तुम कुछ बोल रहे थे ना,
तुम भगवान नहीं हो, मैं साक्षात भगवान हूँ। इधर क्या कृष्ण भगवान को ध्यान देना, आके भगवान बैठो ऐसा बोल देना। ऐसे भगवान हम बन सकते हैं, सोगाणी जैसे ऐसे मुनिया भी बन सकते हैं। फिर घबराते क्यों, रोते क्यों कि हम साधना नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। श्रद्धा में तो अंश मात्र भी परमाणु हमारा नहीं, कुछ बनना नहीं है। शीत भगवान भी नहीं बनना है, जाओ, क्योंकि मैं हूं। अब बन गया उसको क्या बनाना, वो इधर है। मुनिया को जो ये भावना होती है कि परिपूर्ण पूर्ण सिद्ध में अंदर में उपयोग रहे, पूर्ण दशा मिले, ये पतली दार न मिले, पूरा खजाना मिल जाए, अमृत दार, वो भावना है, वो लोभ है। देखो ये भी बाधा है। फिर क्या करते हैं, लोभ प्रत्यय नहीं, लोभ सम्मान लोभ। अब ऐसी भावना को खत्म करने की, ये जब तक भावना है तब तक अंदर नहीं जाएगी। भावना के कारण नहीं पहुंचे, देखो ये गलती निकली नहीं कि हम भावना करते हैं इसलिए हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो हम मुनियाद बन सकते हैं या ज्ञान ही बन सकते हैं। एक भी स्टेप हम आगे बढ़ते हैं तो काय के लिए बढ़ते हैं, भावना है तभी ना, भावना होती तो पूछा करते हैं, पूछा करे तो आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिट गोज टू भावना, ये बिल्कुल नहीं, क्रेडिट गोज टू परमात्मा। भावना को क्रेडिट देना कि परमात्मा को क्रेडिट देना, हाँ, क्योंकि क्रेडिट किसको देना, भावना को परमात्मा को, परमात्मा को क्रेडिट देना। सदगुरु को भी क्रेडिट नहीं देना, क्योंकि सदगुरु को पहचाना किसने, कौन आया ऑफिस, वो सदगुरु है। और मैं कौन हूं, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, किसकी क्रेडिट है। फिर विनय भक्ति से हम किसको डालते हैं, वो चरणानुयोग का विषय है। चरणानुयोग में ऐसा बोलना कि गुरु आप ही सर्वस्व हो, आप ही कारण हार हो, मैं तो पामर भिखारी हूँ। अगर आपके दर्शन नहीं होते मेरे पामर के ऊपर, अगर आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं आज कहाँ होता, भटकता। चरणानुयोग, लेकिन खबरदार द्रव्यानुयोग से ऐसा बोला है। क्या द्रव्यानुयोग से कौन भगवान है, कौन परमात्मा है, तुम गुरु होंगे तो हम कोई काम नहीं है, हम कौन है, परम गुरु। ये द्रव्यानुयोग का, और दोनों दृष्टि चाहिए अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। एक को भी भूला तो प्रॉब्लम हो जाए कि नहीं नहीं मुझे तो ये बात अच्छी लगती है, कौन सी, मैं ही परम गुरु है, गुरु गुरु की क्या जरूरत है, वो तो पर द्रव्य है, जूते खाएगा निश्चयवासी होगा। और भले ही परमात्मा है लेकिन गुरु के बिना थोड़ा मिलता है, गुरु ही सर्वस्व है, अब जूते खाएगा क्यों, ये वाला बासी होगा। और दोनों को साथ में रखा तो गाड़ी बराबर चलेगी। न व्यवहारवासी बनना है न निश्चयवासी बनना है, बैलेंस रखना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरु की भक्ति करो लेकिन आत्मा को मत भूलना, आत्मा की भक्ति करो लेकिन गुरु को नहीं बोलना, क्योंकि आत्मा की भक्ति तभी कर सकते हो जब गुरु आपके दरवाजे के पास डंडा लेके खड़े हैं, न तुमको बाहर जाने देते हैं न बाहर वाले को डंडा जाने देते हैं। अगर ये नहीं रहते ना गुरु दरवाजे पे कि ध्यान करके दिखाना, ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए न आत्मा को भूलना न गुरु को भूलना, दोनों को साथ में रखना। इन दोनों को साथ में कैसे रखना, हम तो एक को देखे तो दूसरे, हम चकमरते हैं ना, इधर उपयोग रहता है तो उधर सेट आता है, उधर रखे तो कृपा ने एक बड़ी बात बहुत अच्छी बात कही परावर्ती 223 नंबर, कि एक के भाव में आ जाना, गुरु की मूर्ति को अपने में बिठा देना। इसका नाम क्या है, भक्ति नहीं, इसका नाम क्या है, पराभक्ति। अब निश्चय से गुरु मेरे से दूर नहीं, जहाँ मैं हूँ वहीं मेरे, और मैं क्या करता हूँ, साधना कैसे करता हूँ कि मैं एक सेकंड मात्र भी अपने गुरु की, गुरु से दृष्टि को हटाता नहीं हूँ। क्या मैं निरंतर अपने में चैतन्य बिंब
अपने परम गुरु को देखते रहता हूँ अंदर। निश्चय से सद्गुरुदेव मेरे से एक अंश मात्र भी दूर नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे किसके वचन है सुहाने। द्रव्य दृष्टि टॉप क्लास तो गुरु भक्ति भी टॉप क्लास, भक्ति जिसकी टॉप क्लास उसकी द्रव्य दृष्टि भी टॉप क्लास। हमको भक्ति नहीं आती है तो नक्की है तुमको आत्मा पे प्रेम नहीं है और तुझे आत्मा की दृष्टि बराबर नहीं है। अगर आत्मा की दृष्टि बराबर होती तुम गुरु को नहीं छोड़ सकते, ये दोनों का एक ही है, गुरु आत्मा में कोई फर्क नहीं। निश्चय से गुरु अपना यही गुरु है, बाहर इसको बताने वाले गुरु को छोड़ा तो ये गुरु के दर्शन नहीं होंगे, होंगे तो गिर जाओगे कभी ना कभी, भक्ति के बिना सहारा कहाँ है, कभी ना कभी तो बाहर जाओगे ना, निरंतर तो थोड़ा अंदर रहता है, बाहर तो जाओगे ना, वहाँ गुरु नहीं है फिर क्या करोगे, वो तय करो हमेशा गुरु को साथ में रखना। अंदर जाओगे तो अपना परमात्मा है लेकिन बाहर जाओगे तो कौन बचाएगा, तलवार तो है ज्ञान की अपने पास लेकिन दाल के बिना, दाल भी चाहिए ना, मारना है तो प्रोटेक्शन भी रखना है, ये मारना आता है लेकिन प्रोटेक्शन बचाव करना नहीं आता है, तो हार जाओ, तलवार के साथ दाल भी जरूरी। ऐसे ज्ञान है वो तलवार है और भक्ति है वो दाल। यहाँ मुनिराज को जो लोभ है वो परिपूर्ण शांति की भावना जो है, सिद्ध पद की जो भावना है, इसके लिए वो प्रयास करते हैं, निरंतर आत्मा की साधना करते हैं, उनको लोभ किस बात का, वो तो ज्ञान दशा में ही कुछ नहीं चाहिए था, अरे मुमुक्ष दशा में कुछ नहीं चाहिए तभी तो पूर्णतः लक्ष्य हुआ क्या, इसके बाद आत्मा के दर्शन हुए। अगर मुमुक्ष को बाहर में से अभी कुछ भी इच्छा है अंश मात्र भी, अपने आत्म कल्याण की भावना के अलावा संसार की एक भी इच्छा है ना 0.01 में, तब तक वो सदगुरु को भी नहीं पहचान सकता है, ये तो मुमुक्षु लेवल की बात। ज्ञानी को तो अनुभव से मालूम पड़ता है कि ये लक्षण मेरा नहीं, लेकिन ये तो मुनिराज की बात है, मुनिराज को कौन सा लोभ, क्योंकि ऐसा कोई लोभ नहीं रहता है अंश मात्र भी नहीं। परिग्रह का तो अपरिग्रह का तो महाव्रत है, पक्का हुआ हम नीचे गिर गए ना लेते नहीं है, देखो उनको क्या लोग हो सकता है, कोई लोग नहीं। तो लिया था ना बहुत तेला 454 ज्ञानी पुरुष ना दर्शन कराया पछी ये बात नहीं कि स्त्री नु सजीवन शरीर अजीवन पणे भाष्या विना रहे नहीं, नजर में ही कमाल आ जाता है। ज्ञानी पुरुष की अगर दृष्टि हुई तो नजर में ही कमाल होता है, नहीं तो फिर समझना कि आपको दृष्टि हुई नहीं, मिले हैं आँख से आँख मिली है लेकिन फिर भी नहीं मिलने के बराबर है, क्यों कि आप में वो संसार की रुचि खत्म नहीं हुई, दर्शन हुआ तो संसार की रुचि रह नहीं सकती है, उसका नाम दर्शन है। ज्ञानी पुरुष का दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन मात्र है। ज्ञानी पुरुष के अगर दर्शन किए तो फिर आपको संसार की रुचि रह नहीं सकती है, अगर रहती है तो आप दर्शन नहीं कर रहे, नहीं नहीं हमने तो मिला है साथ फोटो खिंचाया था हमारे घर खाना खा के गए, नहीं आपने भले ही बोलते हो दर्शन नहीं किया, दर्शन करने के बाद तो आपको संसार की रुचि रहती ही नहीं। और सेंटेंसेस बहुत है, 3-4 सेंटेंसेस जोया नहीं सांभड़ा नहीं हां देखा नहीं, पृथ्वी के धनादि जो जो है ना जवेरात आदि वो पृथ्वी का विकार लगता है। ज्ञानी पुरुष का दर्शन, ज्ञानी पुरुष ने जोया पछी क्षण वार मात्र पण एनो आत्मा बीजे क्या स्थायी थवाने इच्छे नहीं, ये भी एक बात बहुत बड़ी बात थी कि ज्ञानी पुरुष के दर्शन किया अगर मुमुक्षु ने तो ज्ञानी पुरुष से एक इंच भी आगे रहने का दूर रहने का उसको अच्छा नहीं लगता है,
उसको तकलीफ हो जाती है, एक पल का वियोग वो सहन नहीं कर पाता। इसलिए सुगानी जी कहते हैं ना कि हे विकल्प, तुझे तेरी आयु प्रिय हो तो गुरु के चरण में, गुरु के चरणों में ले चल। तू उधर उधर के विचार करता है तो फिर अंदर चले जा, मैं तुझे खत्म कर डालूंगा, नहीं तुझे जिंदा रहना है जा गुरु के चरणों में ले चल, नहीं तो उनका दिया हुआ वितरागी अस्त्र तेरा शीघ्र ही सिर छेद कर देंगे। क्या है द्रव्य दृष्टि के साथ गुरु भक्ति का पावर है, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का टॉप लेवल है चौगानी जी के वचनों में। लेकिन ये बात तो मुनि जात की चलती थी, और मुनि जैसी भावना चौगानी जी को श्रद्धा में थी और इनको परिणाम मिल गया। जबरदस्त है कि लोभ प्रत्यर्पण नहीं लोभ, तुमने ये भावना तो रखना ना, अब ये भावना नहीं रखना सिद्ध बनने, वो तो जितनी चाहे बढ़ा भावना, बढ़ा भावना, बढ़ा क्या मुक्ति की भावना नहीं रखे तो भी क्या होगा, भावना नहीं तो भी आगे कैसे, भावना से आगे नहीं बढ़ते हो। आगे बढ़ना परमात्मा की दृष्टि से होता है, भावना से नहीं होता है। भावना कितनी भी हो, जब तक अपने परमात्मा की दृष्टि नहीं करोगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ो। तो किसने आगे बढ़ाया, भावना ने कि परमात्मा की दृष्टि ने? तो परमात्मा आगे बढ़ने में तो परमात्मा कारणभूत, भावना कारणभूत नहीं। भावना कितनी भी करो क्या फायदा, अंदर की दृष्टि के बिना भावना, मेरे को तो जन्म मरण नहीं चाहिए, संसार से छूट जाना है, बहुत घबराहट हो रही है, कहीं रुचि नहीं है, नहीं कहीं रुचि नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ बताओ, रुचि कहाँ है फिर, कि वो मालूम मालूम नहीं पड़ता है। ये कैसा है तो क्या कहना है अपने, चित करना है भावना का महत्व, निमित्त कह करके हमको क्या करना है इधर, नहीं 1% की भावना को वैल्यू रखो ये कहना है। आगे बढ़ना भावना से नहीं होता है, ऐसा एक बाजू क्या बोलेंगे, आत्म भावना भावता, बात दूसरी चल रही है, दूसरी चलती है तो निमित्त से ही बात नहीं करना, निमित्त तो है ना, क्या करने का है, कान पकड़वाने का है, नहीं नहीं आप कैसे बोलते हो परमात्मा, भावना भी होती है, कान पकड़ो क्यों नहीं, निमित्त तो है कि नहीं है, क्या समझाना, अब टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, लोभ, लोभ की बात चल रही है, और लोभ में ये भावना जो है ना ये लोभ में आती है, और मुझे याद नहीं चाहते कि ऐसी भावना बढ़े, भावना बढ़े ऐसा परिपूर्ण भगवान बनने की भावना बढ़े ऐसा मुझे याद क्यों नहीं चाहते हैं, इसका मतलब आपको भावना करना है और आपको यही रहना है, ये भावना खत्म कब होगी, बढ़ेगी तो आपको यही रहना पड़ेगा उन दशा में, और खत्म कब होगी, तो ये भावना बढ़े रहे ऐसा चाहते हो कि भावना खत्म हो जाए ऐसा चाहते हो, भावना रहे नहीं इसका मतलब क्या, आप परमात्मा बन गए, समझ में आ रहा है जी, हाँ प्रमाद है कि पराये को देखो ना, अपने को तो नहीं देखा ना, द्रव्य को तो नहीं देखा ना, पराये को देखो ना कि मैं अभी इतना अधूरा हूँ, अब मुझे पूर्ण बनना है, अब एक पूर्ण बनना है ऐसी जो भावना है वो बढ़ाना है क्या, तो क्या होना पड़ेगा, आप फिर यही रहना जूते खाते रहना, नहीं मुझे भावना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या, मुझे परिपूर्ण दशा चाहिए, ये आ गया नहीं चाहिए उसमें आ गया, तो मैं परमात्मा बन जाऊं, ये भावना करने का चक्कर ही नहीं रहे, समझे, भावना कब तक करना पड़ेगा, जब तक हम परमात्मा नहीं बनेंगे तब तक, अब भावना नहीं चाहिए तो क्या बन गया, तो परमात्मा नहीं चाहिए मतलब प्रयोग नहीं होता है, क्या है वो कीचड़ में पैर फंसा दे ना, कीचड़ में बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जितना हम इतना बाहर निकलो इतना और अंदर, भावना नहीं करना ऐसी बात नहीं, लेकिन ये भावना भी दोष है और लोभ है और मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहता, निकालना नहीं चाहता, निकालने की बात जैन धर्म में है ही नहीं, क्या माया प्रत्ये माया साक्षी भाव नहीं, साक्षी भाव में ही रहना है, निकालना नहीं है कोई दोष को, दोष को निकालना नहीं है, लेकिन ये जो भावना हो रही है उसको गुण समझना कि दोष समझना,
मैं जल्दी से परमात्मा बन जाऊं, ये गुण है कि दोष है? आप तो बोले थे ना भावना भाव, जिस स्टेज में रहते हैं उनके स्टेज में ये भावना है ना, वही लोग हैं। या तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि अगर आपके पास खाने पूरा कुत्ता है ना और एक्स्ट्रा फाजल पैसा है ना, तो धर्म में लगाते हो, नहीं लगा तो आप कंजूस हो। किसको कहते हैं वो? आप लोभी हो, लोभी हो इसलिए आपके धन को पकड़ के रखे हो। क्या आपको साधन में की सेवा करने का, सत्संग भवन बनाने का, शास्त्र छपवाने का भाव ही नहीं आता है? ज्ञानियों की महिमा करने का क्या पैसा आपके काम का? पाप से कमाया पैसा है और इसमें जाएंगे, अगर यूज भी करोगे तो पाप में जाएंगे, और नहीं करोगे यूज तो यहीं सड़ जाएंगे, आपके बच्चे लोग पाप करेंगे, आप नहीं करना। इस पैसे से क्या होगा? आप बड़े नहीं करोगे, आप पाप करके खता खोट के जाना, आपके बच्चों को पाप करने के लिए छोड़ के जाना पैसे। आप बड़े लोभी हो, अपने भूमिका की जब बात आती है तब लोभ का एक प्रकार है, बुनियाद की भूमिका की बात आती है तो क्या लोभ है? लोभ क्या है? भक्ति की भावना, वो लोभ है, ये गुण नहीं है, ये दोष है। मुनिजात ऐसे दोष को बढ़ाना नहीं चाहते, ऐसे दोषों का मुनिजात को लोभ नहीं है, लोभ प्रत्यय नहीं लोभ, ऐसे लोभ का मुनिजात को लोभ नहीं है, ये अर्थ है। जनरली अर्थ नहीं करना मुश्किल हो जाता है कि लोभ प्रत्यय नहीं लोभ सम्मान, जो क्या समझता, क्या अर्थ है लोभ प्रत्यय नहीं लोभ सम्मान, जो क्या के मुक्ति की भावना का है जो ये लोभ है और ये उनकी नजर में दोष है और उस ये दोष बढ़े ऐसा लोभ उनको नहीं। अब अर्थ बैठ गया ना माइंड में, बराबर अब परफेक्ट बैठा ना, नहीं तो क्या अर्थ करोगे? चलो ये विद्वानों को भेजना कि इसका अर्थ करो, लोभ प्रत्यय नहीं लोभ सम्मान, जो क्या अर्थ है? मुनिजात दिखा है तो लोग पढ़ते हैं नहीं लोग सम्मान जो है इसका जरा अर्थ करके बताओ, मुझे विद्वान लोग नहीं कर पाते गारंटी से कि इस लेवल तक कि मुक्ति की भावना भी मुनिजात की दृष्टि में क्या है? गुण नहीं है, दोष। और वो ऐसे दोष को बढ़ाना और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसका लोभ नहीं है। जिसको दुनिया गुण समझती है उनको मुनिजात क्या समझते हैं? बहुत बड़ा भारी दोष है। यही वजह से तो मेरी मुक्ति अटक गई है। क्या? मुक्ति की भावना के कारण मेरी मुक्ति अटक गई है। मुक्ति की भावना करने के लिए किसको देखना पड़ेगा? अरे मुक्ति अटक गई, मुक्ति अटक गई। हमारे लिए जो भावना आगे बढ़ने के लिए लाभदायी है वो उनके लिए बाधक है। इसीलिए ऐसे गुणों का उनकी नजर में दोष का मुनिजात को अंश मात्र भी लोभ नहीं, लोभ प्रत्यय नहीं लोभ समान। ऐसी विचित्र बातें हैं कि हमारा तो कोई मेल मैच ही नहीं होता है हमारे जीवन के साथ, मुनिजात का जीवन का कोई मैच नहीं, किधर भी मैच नहीं कर सकते हैं, भावना में भी मैचिंग नहीं। कम से कम भावना में तो मैचिंग हो, उनको ही मोक्ष जाना है, हमको ही मोक्ष जाना है, आप मैचिंग करो दे, चलो भावना मैचिंग करो, है मैच भावना में भी कोई, साधना में मैचिंग नहीं, भावना में मैचिंग नहीं, उपयोग में मैचिंग नहीं, परमात्मा के प्रेम में मुनियाज कहाँ और हम कहाँ? कि हमको उतना प्रेम ही नहीं है जितना मुनियाज को प्रेम है, हमको आत्मा भी चाहिए, दुकान भी संभालना है, घर भी संभालना है, इज्जत भी संभालनी है, सब संभालना है, और मुनियाज को सिर्फ आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो तो कहाँ कहाँ मैच, मैचिंग कहाँ है? कोई मैच नहीं। ऐसे मुनियाज वास जिनका वन उपवन में गिरी शिखर के नदी करके, वास जिनका चित्त गुफा में, देखो आत्म आनंद में रहे, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर किससे बात करते हैं? सिद्धों से बात करते हैं। जरा भक्ति दोबारा गाना,
महिमा करते हुए गाओ, करंट नहीं आया तो बोल जम जाओ। ये आपके सामने मुनिराज को विजुलाइज करके देखो क्या होगा उनकी दशा, कि जो एक एक सेकंड में क्षण क्षण में चित भगवान से बात करते हैं, कैसे हॉटलाइन जुड़ी हुई होगी चित भगवान के साथ। प्राइम मिनिस्टर के पास हॉटलाइन होती है, किसी के साथ बात करना है तो आप अगर बात करते हो ना, आपका टेलीफोन एंगेजमेंट कट जाता है, प्राइम मिनिस्टर का लग जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को आपके साथ बात करना है और आप किसी से बात करते हो, आपका टेलीफोन एंगेज है ना, टेलीफोन एंगेज नहीं रहता, वो आपके साथ वहाँ का लाइन काट करके सीधा यहाँ का लाइन जोड़ देता है, इतना हॉटलाइन देता है। मुनियाद को हॉटलाइन देती है किसके साथ, अभी आ रहा हूँ, बस पहुँच ही रहा हूँ, बस बैठ रहा हूँ, बस कार में बैठा हूँ, बस बस इधर मोबाइल पे बात चलती है, दन दन। कैसी बात है देखो, ऐसी हॉटलाइन रहती है, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर दो से बात करते हैं। बात बहुत जबरदस्त है, आनंद 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 की भर्ती, जुम जाते हैं, भूल जाते हैं मैं मुनि हूँ, याद नहीं रहता है, क्या क्या लगता है मैं सिद्ध भगवान, मैं मुनि हूँ याद नहीं रहता कि मेरा भी एक खोखा है और मैं ऊपर बाहर गया है कि अंदर है, कुछ पता नहीं, मैं भगवान हूँ ऐसा लगता है, साक्षात सिद्ध भगवान बैठा हूँ कहाँ पर, धरती पे, और तो धरती भी याद नहीं है कि मैं धरती पे हूँ कि सीधा लय में हूँ, पता नहीं क्या दशा होगी वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दशा। अगर उस दशा को अगर हम विजुलाइज करें ना तो धरती पे पांव नहीं रहेंगे हमारे, भक्ति से उछल जाएंगे, भक्ति भक्ति आ जाएगी, इतना जबरदस्त है। आज ये बोल हुआ कि क्रोध करते तो वर के क्रोध स्वभाव था, मान करते तो दीन पुणानु मान जो, माया प्रत्यय माया साक्षी मान, लोभ प्रत्यय नहीं लोभ, अलग ही निकला, क्रोध का भी अलग निकला था, लोभ का भी थोड़ा अलग ही निकला, ऐसा हर बोल भी अलग अलग ही है, बहुत अच्छे हैं, इसके पीछे के जो भाव है बहुत जबरदस्त, क्रोध मान माया लोभ। आज ये 18वां लेक्चर पूरा हुआ, 7 नंबर का स्टैंडा भी पूरा हुआ, सामने अगर समय मिला तो 8 नंबर का स्टैंडा शुरू अनंत सुशांत चाहिए।